इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दैट्स व्हाई इट्स एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो मिनिमम, सो दैट इज द रीजनिंग व्हाई रेड कलर इज लीस्ट डेविएटेड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ अ प्रिज्म. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल राइट, रीजन क्लियर है? चलो, तो ये साथ साथ जो लिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसके साथ उसके आसपास वाले क्वेश्चन भी सोच लिया करो, ठीक है? जैसे कि मैंने शायद डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि एक ग्लास स्लैब है, जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो हमें डिस्पर्जन नहीं दिखता. अगर हम ग्लास स्लैब को धूप में रख दें, व्हाइट लाइट भी डाल दें, तो उसमें से 7 कलर क्यों नहीं निकलते? वो भी ग्लास की बनी हुई है. प्रिज्म जो है वो डिस्पर्जन शो करता है, उसमें से हमें कलर दिखते हैं जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती. व्हाट इज द रीजन? हाँ, ये हमने डिस्कस किया था क्लास में. हाँ, बिकॉज अ ग्लास स्लैब कैन बी थॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स केप्ट इन ऑपोजिट मैनर. तो एक स्लैब बन गई एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स केप्ट इन ऑपोजिट मैनर. सो वन प्रिज्म विल स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, सेकंड प्रिज्म विल रिकंबाइन दो 7 कलर्स बैक इनटू व्हाइट कलर. तो इसलिए हमें स्प्लिटिंग दिखाई उसमें नहीं देती. सो थिंक अबाउट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. हमने सोलेनोइड का क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, ग्राफ वाला एक किया था करंट के साथ, दूसरा कर लिया था डिस्टेंस के साथ. चलो वो लिखो. अब सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड? ये था ना B is equal to mu naught N I. This was the formula. अब एक चीज और नोट करो, उसके एंड्स पे सोलेनोइड के एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड होता है हाफ. ये बताया था ना, मैं इसी की बात कर रही हूँ. रीजन बताओ क्यों, कैसे आप कह सकते हो कि उसके सेंटर में ज्यादा फील्ड है और एंड्स पे हाफ है? नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है. एनीबॉडी हु कैन टेल मी द रीजन? क्या रीजन सोच सकते हो आप, जबकि आपको ये लगता है कि लाइंस जो हैं वो तो सेंटर के पास तो होती नहीं है, वहां पे हम कह रहे हैं फील्ड मैक्सिमम है. एंड्स के बाद मैग्नेटिक लाइन सबसे ज्यादा होती है, क्राउडेड होती है, हम कह रहे हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है. क्या रीजन है इसका? व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड लाइंस, तो यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करता है इसके इंटीरियर में से, ठीक है? ऐसे डायग्राम बनाया करो, पहले बीच में लाइंस बना लिया करो, ठीक है? तो ये साउथ पोल है जहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड है कनेक्टेड, ये साउथ है, ये नॉर्थ है. तो डायरेक्शन ऑफ लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से बाहर साउथ से अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर आप देख रहे हो यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इनसाइड, सेंटर में फील्ड पूरा है. एंड्स के पास लाइंस जो है वो डाइवर्ज होना शुरू हो जाती है, वो दूर दूर जाना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे फील्ड इसलिए कम है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे कंपैरेटिवली फील्ड कम है, उसका हाफ है रादर. तो रीजनिंग अब आप कलेक्ट करो इसकी, रीजनिंग क्या है हर चीज को सोचो. आपके पास अब इतना टाइम है, उसकी डेप्थ में जाओ तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ एक्स्ट्रा.
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देर इज अ रेजिस्टर एंड अ बल्ब बी वन कनेक्टेड टू इट, देर इज अ कॉइल सोलेनोइड कह सकते हो आप, एंड देर इज अ बल्ब बी टू कनेक्टेड टू इट। ठीक है, ये एक सोलिनॉइड है, ये कॉयल है, जो भी मर्जी इसको नेम दो। अब जैसे हम की प्रेस करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, कौन सा बल्ब जो है वो पहले ग्लो करेगा बताइए, विच बल्ब विल ग्लो अर्लियर, विच बल्ब विल ग्लो फर्स्ट। कोई बी वन कह रहा है, कोई बी टू कह रहा है। हाँ जी दीपांशु क्या कह रहा है? नहीं हम बता सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, हाउ मेनी से बी वन रेज हैंड। ये कॉइल है, सोलिनॉइड है, कॉइल ऑफ वायर है। हाँ बी वन पहले ग्लो करेगा, वाई हिट एंड ट्रायल, वो नहीं ना चलना, तुक्का नहीं चलना। हमेशा याद रखो, चाहे वन नंबर का क्वेश्चन है, वो अपने आप उसको डिवाइड कर लेते हैं मार्क्स को, हाफ मार्क हमेशा रीजन का थोड़ा जाता है। अगर तीन मार्क का क्वेश्चन है, वन एंड हाफ आपका आंसर देने का, वन एंड हाफ रीजन देने का। वन मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क आंसर का, हाफ मार्क रीजन का, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो रीजन आपने देने का। ठीक है, तो सिर्फ ये बताना कि बी वन पहले ग्लो करेगा विल नॉट बी सफिशियंट, हमें इसका रीजन बताना है। देखो हमने अभी ये कल स्टडी किया था उस दिन कि एक कॉयल है, जब जैसे ही हम उसमें स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, जब करंट इंक्रीज होना शुरू होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होनी शुरू होती है, तो क्या होता है, वो उस करंट को अपोज करता है बाय प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन इटसेल्फ, यही है ना। और आपको ये भी बताया था कि ये जो इंड्यूस करंट है अपने ही चेंज को अपोज करती है, याद है आपको। तभी जब हम मैग्नेट का सपोज नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं कॉइल के पास, फैराडे एक्सपेरिमेंट में सोचो, तो वहां नॉर्थ पोल ही प्रोड्यूस होता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ प्रोड्यूस हो जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है जो उसको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था वो उसी के कॉज को, अपने ही कॉज को अपोज करता है हमेशा। इंड्यूस करंट इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल टेक प्लेस, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट जब इसमें से चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जो अपोजिंग होता है हमेशा, तो ये इस बल्ब को ग्लो नहीं करने देगा जल्दी। ये तो बल्ब है, रेजिस्टेंस जो है कोई भी वायर है, तो ये कोई ऐसा ऑपोजिशन नहीं करता है, तो ये बल्ब स्विच ऑन करते ही ग्लो करने लग जाएगा, ये थोड़ी देर बाद चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबलाइट, आप देखते हैं ना ट्यूबलाइट कभी 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 ऐसे ऐसे करके चलती है, थोड़ी देर लगती है उसको, क्योंकि इसमें ये जो चोक होती है ना वो इंडक्टर, वो कॉइल होता है, जो चोक होती है ना ट्यूबलाइट में उसमें कॉइल लगा होता है, तो वो वही चीज होती है, वो जो कॉइल है वो उसको थोड़ी देर अपोज करती है, जब करंट थोड़ी देर बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है तब वो जो है इंड्यूस करंट जीरो हो जाता है, तब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जब स्विच ऑन किया जाता है या ऑफ किया जाता है, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ऑन ऑफ के टाइम पे चेंज होता है, कुछ देर बाद सेम हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक गीजर चल रहा है या आपने एक बल्ब चलाया हुआ है, जैसे गीजर का स्विच ऑन करते हो तो लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है, बाद में थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है, सिर्फ उस टाइम पे जब आपने स्विच ऑन किया या ऑफ किया तब चेंज होता है, वैसे नहीं होता। Got it? Got the point? Clear है? तो ये चीज याद रखो, so because this coil will oppose the change in current, इसमें induced current produce होगा जो उसको थोड़ी देर oppose करेगा, right? तो ये जो चीज मैं अभी बता रही थी Faraday experiment की, कि किस current direction में current produce होगा, वो एक बार मैं explain कर देती हूँ अच्छी तरह से, वो देख लो।
फैराडेज एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने कॉइल लिया था, कॉइल मतलब कोई भी वायर का टर्न, सर्कल जो भी। एक हमने मैग्नेट लिया। अब ये आपको पता है कि मैग्नेट कॉइल के पास लेके गए या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके गए, वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट एंड इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये पता है ना अब आपको। अब यहाँ पे डायरेक्शन किस, हमने कहा डिफ्लेक्शन होगी, पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी कि एंटी क्लॉकवाइज में होगी वो कैसे पता चलता है? अब नॉर्थ हम लेके जा रहे हैं मैग्नेट का, नॉर्थ लेके जा रहे हैं, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, इस तरह से प्रोड्यूस हुआ कि वो इसकी मोशन को ही अपोज करना शुरू कर देगा। मैग्नेट के आने से ही प्रोड्यूस हुआ था, पर ये उसी की मोशन को अपोज करेगा। यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो अगर हम मैग्नेट को उसके पास लेके आना चाहते हैं, हमें वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद ही हमें वर्क करना पड़ेगा उसको लेके जाने के लिए। तो दैट वर्क इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज नॉट अ मिरेकल कि हमने बस मैग्नेट को मूव किया, करंट प्रोड्यूस हो गई। इतने मेथड्स यूज किए जा रहे हैं नए नए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के। तो एक कॉइल रखा, मैग्नेट लिया, मैग्नेट को मूव किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। हाउ इजी इट इज, हाउ सिंपल इट इज। तो आपको पता है कि एनर्जी हम जनरेट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म इंटू द अदर। तो यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रही है। तो फिर हम सोचते हैं कि कौन सी एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, ये है वो वर्क। वर्क इज मैकेनिकल एनर्जी। जो वर्क हमें इस मैग्नेट को उस तरफ लेके जाने के लिए करना पड़ रहा है ना, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, दैट इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, मैं दोनों केसेस करती हूँ। तो ये नॉर्थ का मतलब क्या होता है, करंट विल बी फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको वैसे ही याद रखना है कि नॉर्थ मीन करंट विल बी फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन इधर को हो रही, राइट की तरफ हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही। तो इससे हमें पता चलता है कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो। तो ये क्लियर हो गया आपको। मैंने एक लॉ भी बताया था कि कौन सा लॉ है जो ये कह रहा है कि इंड्यूस करंट इज अपोजिंग इन नेचर। याद है किसी को, लेंजेज लॉ कहा था इसको, याद है किसी को, पढ़ाते हुए बताया था कि इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होता है वो अपोजिंग होता है, ये इसको अपोज करता है, इसको लेंज लॉ कहते हैं, लेंज लॉ। क्लियर। चलो अब दूसरा केस लेते हैं। अब सपोज कर लो, इसको मैं रब नहीं करती, यहां बना लेती हूँ। Again, we have a coil. Now, we are taking the magnet away. Now, we are taking the magnet away from the coil. North दूर जा रहा है, ठीक है? Now, it will again oppose the motion of magnet going away from it. तो अब उसको कैसे oppose करेगा? By inducing south pole now. South उस north को attract करेगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा, जबकि हम magnet को दूर लेके जा रहे हैं। So again, to keep the magnet moving away from the coil, we have to do work. That work, that mechanical energy is again converted into electrical energy. So ये logic है कि कैसे conversion हो रही है, production नहीं हो रही electricity की, एक energy दूसरे में convert हो रही है. South means clockwise. So current will be flowing in clockwise direction through the coil. So this is how we can find the direction of induced current. This is how we can find the direction of induced current. Got it now? Clear है? अब ये logic clear हुआ? देखो पहले आपको Faraday's law क्या है उसके बारे में confusion थी। EMI क्या होता है? Mutual induction क्या होता है? वो हमने last week पढ़ा, ठीक है? अब हम थोड़ा और depth में गए कि current फिर किस direction में produce? क्लियर। और चलिए अब एक मुझे आंसर बताओ, देर इज अ वायर कैरिंग करंट इन दिस डायरेक्शन, देर इज अ कॉइल ऑल्सो, सर्कुलर लूप ऑल्सो प्लेस क्लोज टू इट। तो क्या होगा, ये जब हम लूप यहां इसके पास रखेंगे, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो किस डायरेक्शन में होगा?
क्या इसमें करंट प्रोड्यूस होगा? When it is placed close to a wire through which current is increasing, current is changing. So yes, mutual induction से, electromagnetic induction या mutual induction से, इसमें भी induced current produce. एक में change हो रहा है, दूसरे में current produce हो. ठीक है? किस direction में होगा? आप ये बता सकते हो? हाँ? ये देखो ना, इधर इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ट्राइंग टू डिक्रीज. ऐसे तो जरूरी नहीं है कि मैग्नेट होना चाहिए. आप मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ चुके हो, आपको पता है जब एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो ये एक मैग्नेट की तरह ही काम कर रही है. तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है उसकी, तब इसके पास जो हमने कॉइल रखा है उसमें से करंट प्रोड्यूस होगा. तो रिमेंबर, इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन टू सिचुएशन. या तो हम उसके पास एक मैग्नेट को ही मूव करें, या फिर उसके पास करंट को चेंज किया जाए. करंट चेंज होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा. इज दैट ओके नाउ? एक चीज और जो यूजली बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसमें, जैसे आपको, आपने सैंपल पेपर देखे होंगे रिलेटेड टू ओम्स लॉ एंड ऑल, उसमें जो रीडिंग दी होती है, कई बार हमें ओम मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर का स्केल दिया होता है, ऐसे दिया होगा. यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मतलब ये एमीटर का स्केल दिया, दिस इज स्केल ऑफ एमीटर. तो कहते हैं, ये मार्किंग दी होंगी, लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से सपोज स्केल बना हुआ है. अब वो कहते हैं कि जब ऑफ है ना, यहां पे है पॉइंटर, अभी हमने इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, पॉइंटर इज पॉइंटिंग हियर टू दिस साइड, फाइंड द जीरो एरर एंड लीस्ट काउंट ऑफ दिस एमिटर. कैन यू टेल मी? इसको अभी ऑन नहीं किया, रीडिंग नहीं आई अभी इस पे, पहले से ही जो पॉइंटर है वो जीरो पे पॉइंट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें कुछ एरर है. उस एरर को हम कहते हैं जीरो एरर. तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूं कैसे काउंट करते हैं. जीरो एरर, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन द जीरो या जिससे वो आगे है पॉइंटर, इंटू लीस्ट काउंट ऑफ एमिटर. लेट अस कैलकुलेट लीस्ट काउंट फर्स्ट ऑफ ऑल. What is the least count of this emitter? Who will tell me? वो तो सिंपल वे से हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करते हैं. What is the least count of this emitter? कौन बताएगा? कितना है? 0.7. 7 कहां से आया? 10 divisions किसके इक्वल है? 10 small divisions are equal to 0.5 ampere. 10 small divisions are equal to 0.5 ampere. So, one small division कितनी हुई? 0.5 over 10. 0.05. And what is the value of one division called? Least count. Least count is defined as the minimum reading a device can read. The value of one small division that a device can read. So this is the least count we have calculated first of all. Clear है? ऐसे ही voltmeter का भी निकालना, बस unit different होगा. अब हम इसको apply करते हैं. Least count हमने निकाल ली है. कितनी divisions आगे है? Two divisions आगे है ना? तो number of divisions error में आ गई 2. Least count है 0.05. तो ये हो गया 0.1 ampere का error हो. अब एरर में भी पॉजिटिव, एरर में भी नेगेटिव आल्सो. ठीक है, पॉजिटिव कब है? जब ये पॉइंटर आगे. नेगेटिव कब होगा? जब पॉइंटर पीछे होगा. वो वैसे होता नहीं है, रेयरली होता है, ये यूजली पॉजिटिव ही होता है. ठीक है, तो अगर पहले से डिवाइस में कुछ एरर, अब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जब, तो आप देखना ध्यान से स्केल को कि उसमें पहले से कुछ एरर तो नहीं है. अगर एरर है
So we have to take into account that error and then apply correction also to remove that error. So zero correction फिर क्या होगी? We have to apply correction in that case. Zero correction is negative of zero error. Zero correction is negative of zero error. So if your error was 0.1 ampere, correction would be minus 0.1 ampere. तो इतनी करेक्शन जब आप रीडिंग लोगे ना, इतना आपको उसमें से माइनस हर बार करना पड़ेगा, तब आपकी फाइनल रीडिंग आएगी. तो जो भी रीडिंग जब आप लोगे, अब स्विच ऑन करोगे, तो सपोज कर लो कि आपका पॉइंटर यहां पे आ गया, तो या तो उसमें से दो डिविजन माइनस कर दो वो वाली, या फिर जो रीडिंग आप कैलकुलेट करोगे उसमें से 0.1 एम्पीयर माइनस कर दो. अच्छा भैया, ये रीडिंग कैसे लेते हैं? पॉइंटर यहां पे है, कितनी रीडिंग है? एक डिवीजन 0.5 की है. ये 1 है, ये कितना हुआ? 1.5. ये कितना हुआ? 1.1. एक मिनट, 1.05. लीस्ट काउंट 0.05 है. ये 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25. वैसे भी देखो 1 और 1.5 के सेंटर में है ये, तो 1.25 ही होगा ना ये. सो हाउ मच इज द रीडिंग? 1.25. या सिंपल तरीका है, शुरू से लेके ये नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट कर लो कितनी है. ये 10 थी, ये 20 थी, 25. नंबर ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट के साथ, ये आपकी रीडिंग आ जाएगी. शुरू से लेके वहां तक की डिवीजन काउंट कर लो, स्मॉल डिवीजन, उनको लीज काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी रीडिंग आ. तो ये अब जितनी भी रीडिंग आई उसमें से आपको 0.1 माइनस करना पड़ेगा. सो योर करेक्टेड रीडिंग इज 1.15 एमपी. योर करेक्टेड रीडिंग इज 1.15 एम्पियर. सेम इज द केस विद वोल्ट मीटर ऑल्सो. तो इस तरह से हम ओम्स एक्सपेरिमेंट में एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करेंगे. राइट? कोई डाउट यहां तक? पहले लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, फिर जीरो एरर कैसे निकालना है, फिर करेक्शन कैसे अप्लाई करनी है, रीडिंग कैसे लेनी है, ये सारी चीजें देखो. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ वोल्ट मीटर का, मुझे सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखाओ. देख लो पहले, हैव अ लुक, हैव अ लुक एट इट. फाइन. चलो अब मैं वोल्ट मीटर का स्केल बना रही हूं, उसमें सारी चीजें आपने मुझे बतानी है. सिंपल स्केल बना दिया मैंने, ठीक है? ये वी मतलब वोल्ट, वोल्ट मीटर का. तो मुझे बताइए इसका लीस्ट काउंट क्या है, व्हाट इज इट्स जीरो एरर, व्हाट इज जीरो करेक्शन, एंड व्हाट इज इट्स रीडिंग. तो पहले ये यहां पे है, जैसे ही हमने अभी ऑन भी नहीं किया, ये यहां पे है पॉइंटर. जब हमने इसको ऑन किया तो पॉइंटर यहां पे है, तो मुझे रीडिंग भी बताइए, जीरो एरर भी बताओ, जीरो करेक्शन भी और लीस्ट काउंट. हाँ, सबसे पहले लीस्ट काउंट कितना है? वोल्ट. हाँ, यस, लीस्ट काउंट इज 0.1 वोल्ट. Because 10 small divisions are equal to 1 minus 0, 1 volt. So 1 small division is 1 over 10,
0.1 वोल्ट। किसी को इसमें डाउट पहले तो पूछ लो। सो लीस काउंट इज 0.1 वोल्ट। हाँ, जीरो एरर कितने हैं? हाँ पॉजिटिव 0.4। सिर्फ नंबर ऑफ डिविजन्स को मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट के साथ। 4 × 0.1 0.4 वोल्ट। करेक्शन कितनी है? माइनस करना है हमें उसको। अब रीडिंग बताओ कितनी। हाँ अदरवाइज रीडिंग है 2.3। ठीक है ना, कितनी डिविजन है शुरू से? 23। उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2.3। या फिर ये 2 है, एक डिवीजन 0.1 की है, 2.1, 2.2, 2.3, जैसे मर्जी लो। उसमें से आपने 0.4 माइनस कर देना है, तो रीडिंग हो गई 1.9 वोल्ट। सो करेक्टेड रीडिंग, ये रीडिंग हो गई करेक्टेड रीडिंग का, अलग कॉलम बना। तो रीडिंग है आपकी 23 × 0.1 2.3 वोल्ट, एंड करेक्टेड रीडिंग इज 2.3 माइनस 0.4 1.9 वोल्ट। दिस इज योर करेक्टेड रीडिंग। समय लग गया अब? ठीक है, तो अब चीजों को क्लियर करना है आपने। अब आपको सिंपल थिंग्स आती हैं, अब आपने उनको क्लियर करना है, अपनी डाउट्स उसमें से आपने क्लियर करना है। कि जैसा मर्जी क्वेश्चन आया आप उसको कर सकते हो। अब डिफरेंट यूनिट्स में कई बार हमारा करंट दिया होगा, ठीक है, तो उसको हम कैसे डील करें? लिखो क्वेश्चन सिंपल सा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैलकुलेट The resistance of a wire through which ये कितना है? ये क्या है? 10 microampere, through which 10 microampere current is flowing, through which 10 microampere current is flowing when connected to a battery. When connected to a battery of potential difference, when connected to a battery of potential difference 5 volt. हाँ जी, मुझे कुणाल बताएगा what is Ohm's formula. I R V is equal to I R, so R is V over I. V कितना है? 5 volt. और I कितना है? 10 micro. Micro की वैल्यू क्या आती है? 10 rest by minus 6 ampere. तो 1 minus 6 minus 5 ampere, पहले आपको यूनिट जो है SI यूनिट में कन्वर्जन करनी पड़ेगी बिफोर पुटिंग द वैल्यू इन numerical. मिली में हो सकता है, माइक्रो में हो सकता है, नैनो में हो सकता है यूजली, ठीक है। मिली में होता तो मिली मींस 10⁻³, माइक्रो पता ही आपको, माइक्रो 10⁻⁶, और नैनो में होता तो 10⁻⁹ आप यूज कर। ये आपका करंट आ गया आप एम्पियर में, माइक्रो में नहीं पुट करना, एम्पियर में पुट करना। सो पुट द वैल्यूज नाउ, 5 और ये 10⁻⁵, 10⁻⁵ ऊपर चला गया, 5 × 10⁵ ohm, दैट इज द रिजल्ट। सो 5 × 10⁵ ohm इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, 500 kilo ohm कह सकते हो आप, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से 500 kilo ohm, 1000 को आप किलो बोल दिया तो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो इफ डिजायर्ड। सो हैव अ लुक एट दिस, ऑल राइट। कोई डाउट यहां तक?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब. व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट आर. हाउ इट इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ एनर्जी? हाउ इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ एनर्जी? नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो आप, बताओ. नहीं तुम बताओ. मनप्रीत, हाँ जी आगे क्या? हाँ जाओ. 1 kWh इज 3.6 × 10⁶ जाओ. इसको प्रूव करिए अपनी कॉपी पे, हरी अब अपनी कॉपी पे प्रूव करो इसको. 1 kWh इज 3.6 × 10⁶ जाओ, इसको प्रूव करिए. कौन करेगा प्रूव? किसको आता है? बस ये दो और तीन बस, और किसी को नहीं आता. 1 kWh कैन बी रिटन एज 1 kW × 1 hour. किलो मीन 1000, वॉट आवर मीन 60 minutes 60 seconds. 60 × 60 = 3600. 1 watt इज जाउल पर सेकेंड. So 36 and 5 zeros. Either you can write like this, or you can write in scientific notation 3.6 × 10⁶ joule. So this is the relation between commercial unit 1 kWh, जिसको हम billing के लिए 1 unit बोलते हैं, and joule, which is the absolute unit of energy. तो ये simple सा proof है, ये तो आपने 9th में भी किया होगा. ठीक है, बट डोंट फॉरगेट द थिंग. क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ऑल राइट, सो डू वन क्वेश्चन नाउ. आई एम गोइंग टू गिव यू वन न्यूमेरिकल, सिंपल ही है बट आप करोगे. फाइंड द रेशियो ऑफ करंट. फाइंड द रेशियो ऑफ करंट through resistors R1 and R3. Find the ratio of current through resistors R1 and R3. चलो ये try करना घर पे, कल discuss करते हैं. R1 and R3. हाँ इनकी value R है, कोई बात नहीं. बच्चे सीट पे बैठो.